हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और ये जो प्रोडक्ट है ये है प्लम का एक ग्लो सीरम। ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ग्लो रिस्टोर फेस ऑयल ब्लेंड, ये एक सीरम है। ये देखिए, ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इनर पैकेजिंग जो दिखाती हूँ मैं आपको इसकी, इसके अंदर आपको इस तरह से, ये देखिए, इसके ऊपर जो है इसके इंग्रेडिएंट सारे जो लिखे हुए हैं वो मेंशन है, किस तरह से इसे लगाना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद जो आता है एक बॉटल है, ये इस तरह से कांच की, इसके ऊपर आपको ड्रॉप पर इस तरह से लगा हुआ मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरह का ये सीरम है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। मैं इसको आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी की। तो ये है 30 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी, 30 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, 30 ml। बहुत ही बारीक है, शायद ना दिखे। और इसका जो प्राइस है ये है 775, लेकिन फ़िलहाल जो क्रिसमस सेल है इस पर आपको ये पर्पल पे आपको ये मिलेगा इस वक्त 620 पर, और जो नायका पे आपको मिलेगा ये शायद 680 का है, मैंने आज ही पढ़ा है। लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस वक्त सेल में आपको लेने का ये जो है ये बेनिफिट है काफ़ी। तो सबसे पहले हम इसके जो है इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। इसके अंदर 10 तरह के तेल हैं, ऑयल हैं 10 तरह के। तो मैं आपको वो सारे पढ़ के अभी बताती हूँ। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है स्वीट आमंड ऑयल, जिसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। रोज़ हिप ऑयल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एजिंग को स्लो डाउन करने का काम करता है। देन इसके बाद है अर्गन ऑयल है, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जो नेक्स्ट जो ऑयल है वो है ग्रेप सीड ऑयल, जिसमें लिनोलिक एसिड होता है जो हमारे क्लॉग पोर को रिड्यूस करने का काम करता है। और उसके बाद आता है एप्रिकॉट सीड ऑयल, जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो लुब्रिकेट और हील करता है हमारी स्किन को। और नेक्स्ट है इसमें ऑलिव ऑयल, जो हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, हमारी स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। अब नेक्स्ट जो इसमें है सी बकथॉर्न ऑयल है, जो विटामिन सी से भरपूर होता है, यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, सूरज की जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट उनसे बचाता है, सनबर्न से बचाता है। पोमग्रेनेट सी एक्सट्रैक्ट है, जिसमें कि ओमेगा 5 फैटी एसिड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करता है। सनफ्लावर सीड ऑयल है, जो जोबा ऑयल है, विटामिन एंड मिनरल से जो भरपूर होता है, आपकी स्किन को हील करता है, नरिश करने का काम करता है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यह अच्छी तरह से मेंशन किया है कि इसे हमें अप्लाई कैसे करना है फेस के ऊपर, और साथ ही साथ ये 100% वेगन प्रोडक्ट है, क्रूल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है। यूज़ करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल, जब भी आपने अपना फेस जो है वॉश करना है, वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले आपको इस तरह से इसके 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस के ऊपर इस तरह से हमें अप्लाई करके और फिंगर की हेल्प से हम अपने फेस के ऊपर मसाज करेंगे। हल्के हाथ से हम मसाज करेंगे, इसे आप आईज के नीचे और अपने नेक एरिया पे भी लगा सकते हैं। ये आपके फेस में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगा। देन उसके बाद आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो उनके लिए मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये देखिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। मैं इसके बाद अपना मेकअप जो है वो कर सकती हूँ, मुझे फाउंडेशन लगाना है तो मैं फाउंडेशन भी लगा सकती हूँ। ये जो सीरम है मैं इसे 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है, तो मैं हमेशा जो है एक ऐसा सीरम
जो है यूज़ करती हूँ। इससे पहले भी मैंने कई सिरम जो है यूज़ किए हैं, गुड वाइब्स का सिरम मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोजहिप सिरम, तो उसी तरह से ये भी सिरम जो है ये मेरा फेवरेट हो गया है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग यूज़ करके देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसे यूज़ करके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।